अरे यार, हाँ यार, अपने से खेल रहा है। अरे बंटा भूल गया, मोहम्मद अली टीम पे बड़े हुए अपन। दिल्ली आए और निजामुद्दीन शाह नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड और अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आज थोड़ा सा हम देसी दिल्ली वाले स्टाइल में घूम रहे हैं। मैंने बोला कि यार दिल्ली आए और दिल्ली की रिक्शा में ना घूमें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आज रूबल भाई को हमने बोला कि रूबल भाई आप थोड़ा शाम में आना, आराम करना, बिल्कुल बेचारा दो दिन से बहुत ज़्यादा मेरे सेवा कर रहे हो, प्यार नहीं कर रहे हो। तो मैंने बोला आपकी फैमिली के साथ टाइम मिलाओ और आज सुबह में इतना कुछ काम मिला। अभी हम जा रहे हैं सीपी, एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है जो मेरा फेवरेट है चली, और मैंने डिसाइड किया कि हम जाएंगे रिक्शा में। तो लेट्स नॉट टू फार बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टेइंग इन सीपी, बट या इट्स फन, कंफर्ट है, खुली हवा है, कोई टेंशन नहीं है, मस्त क्लाइमेट है। 25-26 डिग्री चल रहा है, घड़ी बता रही है, टाइम दिखा रही है, टाइम तो चल रहा है। आपने मुझे बोला 100 रुपए होंगे, कोई बात नहीं, आप जो चाहो दे दो यार, नहीं देना जो बनता है वो लो, वही ले रहा हूँ मैं, 80 रुपए बनता है। 80 रुपए बनते हैं, धंधे की कसम खा के बोल दो 80 रुपए बनते हैं, मैं 100 दूंगा। नहीं धंधे में बैठे झूठ मत बोलो, बोलो धंधे में बैठ के कि तुम 80 रुपए बनते, झूठ मत बोलो, मैं 100 दूंगा। खाली धंधे में बोलते मैं धंधे में, हाँ यार अपने से खेल रहा है। अरे बंटा भूल गया, मोहम्मद अली टीम पे बड़े हुए अपन। 1 किलोमीटर का आदमी अच्छे से बोलता है कि चलो ठीक है, उसको भी समझ में आ गया मेरी लैंग्वेज से कि मैं बॉम्बे वाला, लेकिन इसका मतलब सी तो मत बनाओ यार, मुझे बोल दो भाई मुझे 10-20-30 रुपए ज़्यादा दे दो। मैंने फिर भी उसको ज़्यादा पैसे दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से कहीं भी दिल्ली नहीं, कहीं पर भी आप जाओगे, देखो कोई भी सिटी ख़राब नहीं होती कि सारे सिटी के लोग नहीं, लेकिन एक दो की वजह से उनका नाम खराब होता है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा नहीं कि दिल्ली के लोग खराब है, लेकिन कोई भी सिटी में आप जाओगे तो पहले एक पूछ लेने का, मैं तो ध्यान नहीं था क्योंकि मैं रेगुलर ट्रैवल नहीं करता, तो मैं पूछा नहीं, मेरी भी गलती थी, इसके लिए मैंने ज़्यादा दिया। मैं तो हमेशा पूछ लेने का, भैया यहाँ जाने का कितना पैसा लोगे, 100 रुपये 1 किलोमीटर का। अरे यार खेल रहे अपने से। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रेस्टोरेंट चिलीज, हम यहाँ पे लंच करने आए मैं और सितीश। खा के तैयार वैयार होके अब आए हैं हम वर्कआउट करने, और आज का वर्कआउट है एक और स्पेशल पर्सनालिटी के साथ, मैं आपको दिखाऊंगा, और यहाँ पे हमारे एक दोस्त भी मिलेंगे आपको, उनसे भी मिलाऊंगा। भाई कितना हुआ? 2 महीने से तो आपने कल मिले था रात में, सेम माय भाई और यासिफ भाई मुंबई वाले, मुंबई से चल के वापस आए दिल्ली, मुंबई से चल के दिल्ली वापस आए, जिनके साथ वर्कआउट करें तो आए गए, और अभी इन्होंने नारायणा में राइनोस जिम में। करण भाई आए मुझसे मिलने के लिए, बहुत ही फेमस एथलीट है फरीदाबाद से, इनका जिम भी है, और हमने साथ में फिटलाइन क्लासिक 2015 में हमने साथ में कम्पीट किया था। बहुत बहुत अच्छे एथलीट, अभी कम्पीट नहीं करते, बिजनेस में उस पर ध्यान दे रहे, मैं भी इनसे सीख के इंस्पायर हुआ थोड़ा कि बॉडी वॉडी बना लो लेकिन पैसे कमा। तो इन्होंने कुछ गिफ्ट लाया, मैं ऐसे तो देख लिया लेकिन खोल के आप लोगों के सामने भी कर रहा हूँ। वाह, दिस इज सुपर्ब, वेरी वेरी नाइस। ये ऐसा जो अपनी नई ऑफिस बन रही है ना, वहाँ पर ये लगेगा। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। ये बहुत 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 ही अच्छा है, यानी फ्रेम्स तो बहुत मिलती है लेकिन ये फ्रेम बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और मेरा एक नया ऑफिस घर में बना रहा मैं यूट्यूब स्पेस के लिए, तो अब उसको मैं ऐसा रखूंगा वहाँ पर। बहुत बढ़िया, यार बड़ा बड़ा खेल हो रहा है आज। देखो ये हमारे सैम भाई है, बहुत फेमस यूट्यूबर है, इनका व्लॉगिंग चैनल भी है, इनका प्रैंक का भी चैनल है, और दोनों चैनल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेक श्योर आप इनको फॉलो करो, बहुत जबरदस्त प्रैंक बनाते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ प्रैंक व्रैंक बना के फेमस हो जाऊँ। मैं बोल रहा हूँ भाई कुछ स्क्रिप्ट बनाओ मेरे लिए, और ये भाई देखो मैं दे इसको बोलते लेट आना, ऐसे वैसे लेट नहीं, ये बड़े स्टार ऐसे ही आते हैं। 3:30 का टाइम था, कितने बज रहे, एक सेकंड, हाँ घड़ी भी बंद हो रही है, 6:15 बजे बस। इसको बोलते रियल स्टार सलमान भाई है ना, वो भी इतना लेट नहीं आते जितना सैम भाई लेट आते हैं।
नहीं तो सैम भाई के साथ हम बहुत ही बढ़िया बाइसेप ट्राइसेप वर्कआउट करने वाले हैं। मैं देखने वाला हूँ जैसे बाइसेप बनते कैसे। मेरे को अभी क्या है मैं अभी थोड़ा लीन हो रहा हूँ तो भाई के जैसे बनने वाला हूँ। मैं लीन हूँ भाई लेकिन एकदम बढ़िया पर्सनालिटी है भाई की। थैंक यू सैम भाई आप आए। सैम भाई का मैसेज आया था कि जल्दी आएंगे तो वर्कआउट करेंगे तो इट्स माय प्लेजर। और हमारे माए भाई लेग्स करेंगे आज। करण भाई भी एकदम एक्साइटेड हो गए लेग्स करेंगे। और वो आसिफ भाई क्या करेंगे बढ़िया काम कर रहे हैं यूट्यूब पे। मैं इतना यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रहता हूँ लेकिन मुझे सैम भाई ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया। यूजुअली तो मैं दिल्ली आया था लोगों से इंस्पिरेशन लेने सीखने के लिए। सैम भाई ने मुझे बोला आपके साथ वर्कआउट करना। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ लेकिन बहुत छोटा आदमी थोड़ी साइज बढ़ गई है बट देखो अच्छा दिख रहे बहुत अच्छा। जो पूरा वर्कआउट है वो आपको मेरे फिटनेस चैनल पे मिल जाएगा। मेरे वाले ब्लॉग में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हाँ तो सैम भाई पूछ रहे थे SOS के बारे में। SOS क्या है? आपकी फ्रेंचाइजी है तो उसके बारे में बताओ। SOS एक नॉर्मल जैसे सप्लीमेंट स्टोर होती है जी इसी तरीके की सप्लीमेंट स्टोर है। और हम जो SOS है इसका नाम है सोर्स ऑफ सप्लीमेंट। सो सोर्स यानी कोई भी चीज़ का जो सोर्स होता है ना तो हम सप्लीमेंट के सोर्स है। हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल है और ऑलमोस्ट 9 स्टोर अभी करंटली एक्टिव है हमारे ऑल ओवर इंडिया। पैंडमिक की वजह से कुछ बंद हो गए बाकी 9 करंटली एक्टिव। दिल्ली में 2 है, एक साउथ दिल्ली में एक सेंट्रल दिल्ली में। और तो हमारे इधर 40 से ज़्यादा टॉप नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड है। और अपना काम सैम भाई इतना क्लीन है ना कि अगर आप SOS की कोई भी स्टोर से या वेबसाइट से जो sourceofsupplement.com है या SOS की कोई भी स्टोर से या वेबसाइट से आप सप्लीमेंट खरीदते हो तो आपको उसके साथ प्रॉपर GST रजिस्टर्ड बिल आता है। अगर आपका कभी बिल जैसे होता है ना शॉप पे गए आपने सप्लीमेंट ले लिया और बोला कि भाई मुझे बिल दो और अगर बिल नहीं मिला तो वहाँ पे एक बोर्ड आपको दिखेगा वहाँ पे उसका एक नंबर रहेगा जो मेरे पार्टनर का नंबर है। यानी हम लोग इतना डीप है कि कोई स्टाफ का नंबर नहीं उसमें पार्टनर का नंबर है कि आप डायरेक्टली वहाँ पे फोन करो या और ईमेल एड्रेस जो दिया है सपोर्ट वाला वो मैं खुद रोज रात में चेक करता हूँ। तो अगर किसी को बिल नहीं मिला और उसने हमें कंप्लेंट करी तो उसको पूरा सप्लीमेंट फ्री मिला। यानी कि नो बिल इज इक्वल टू फ्री सप्लीमेंट। और शायद ही मेरी नॉलेज में ऐसी कोई इंडिया में मेरी नॉलेज में हो सकता मैं गलत हूँ लेकिन शायद ही मेरी नॉलेज में ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है सप्लीमेंट स्टोर की जिसके ऊपर सर्टिफिकेशन है। यानी हमारी वेबसाइट के अंदर में आपको हर एक ब्रांड के ऑथोराइज सर्टिफिकेट यानी कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि सोर्स ऑफ सप्लीमेंट्स आर ऑथोराइज डीलर यानी हम उनके ऑथोराइज रीसेलर है सप्लीमेंट बेचने के। अब समझ रहे हो यानी कि कोई भी ब्रांड ले लो आप टॉप इंटरनेशनल टॉप ब्रांड ले लो इंडियन ब्रांड ले लो जो भी हमारे पास अवेलेबल है सबके सर्टिफिकेट। तो आपको पता है कि हम किधर से माल खरीदते हैं और आपको बेचते तो वहाँ पे एक सर्टिफिकेशन का कॉलम भी दिया हुआ है जहाँ पे आप जाके सर्टिफिकेशन कर सकते हो। सारे लाइसेंसेस अवेलेबल है जो GST नंबर है वो अवेलेबल है यानी कि कोई भी किसी भी तरीके की क्रॉस चेकिंग कर सकता है। प्लस हमारे इधर से कोई भी सप्लीमेंट लेके लैब टेस्ट भी करवा सकता है और प्रॉपर 100% रिपोर्ट जैसी डब्बे पे है वही मिलेगी उसकी गारंटी मैं खुद ही लेता हूँ कि हम लोग जेन्युइन 100% ओरिजिनल। बिकॉज बात ये ना कि यार हम सब एक दौर से गुजरे मेरा भी एक दौर था जी। आप तो अभी मेरे सामने उम्र में छोटे हो एक्सपीरियंस में और यूट्यूब में बहुत बड़े हैं उम्र मैं बच्चा हूँ एक्सपीरियंस में और यूट्यूब पे तो मैं अभी अभी आया हूँ सीख रहा हूँ कैसे आते हैं मैं खुद की वीडियो नहीं देख पाता हूँ। हाँ सही में नहीं देख पाता सच बता रहा हूँ मैं। यानी कि कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं देख लेता हूँ लेकिन वो तो आई एम थैंकफुल आई एम ब्लेस कि मेरे पास में अच्छी टीम है जैसे स्टूडियो 5 है लिमिटलेस वीडियोग्राफी है सारी अच्छी टीम है जो व्लॉगिंग एंड फिटनेस लोग संभाल लेते हैं उनको पता है कि क्या करना है सेंसेबल टीम है वरना तो मेरे को तो बहुत बैले पड़ेगी तो कुछ भी डाल देंगे। तो मैं तो कभी कभी इतना सच बोल देता हूँ कि मुझे कट करना पड़ता है नहीं मत बोल यानी करेले के जैसा कड़वा लग जाएगा। तो आज सैम भाई के साथ वर्कआउट किए बड़ा मजा आया और अच्छा सैम भाई आप बताओ कैसा लगा यार। मैं तो भाई बहुत ही अच्छा मैं मुंबई भी आऊंगा भाई आपसे मिलेंगे। बाकी गाइस डिस्क्रिप्शन में भाई की सारी डिटेल्स में डाल दूंगा आपको कोई भी सप्लीमेंट चाहिए बिकॉज मेरी भी ऑडियंस है ना जो मोस्टली भाई प्रैंक की भी राइट क्योंकि मैं वहां भी शायद वीडियोस बनाता हूं। अच्छा प्रैंक चैनल पे मेरे साथ एक प्रैंक कर रहा है मेरे साथ एक प्रैंक मेरे साथ प्रैंक ही नहीं करता था डरते लोग मुझे प्रैंक में मार देते मुझे वो एक प्रैंक मैंने देखा था पता नहीं किसने बनाया था मैंने फेसबुक पे ऐसे रैंडमली देखा था
गार्डन में चलते रहते मास्का है मारता हूँ पुलिस वाला, मुझे ऐसा प्रैंक कर रहा है, किसको मारना है मुझे? वैसे मैं मार नहीं सकता ना भाई, मर जाएगा। मैं वैसे मारने जाऊंगा तो यार देखो कितना ये बॉडी का फायदा उठा रहे, कोई ये नहीं देखेगा उसने मेरी माँ को गाली दी थी, कोई ये नहीं देखेगा लेकिन बोलो बॉडी का फायदा उठा, गाली दी तो अलग गई, लेकिन मैं वैसे प्रैंक में मारा तो मार खुशी हो जाऊंगा मार के। So we are going to निजामुद्दीन शाह दरगाह औलिया की जो मज़ार है, दिल्ली आया और निजामुद्दीन शाह नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो माए भाई और आसिफ भाई मुझे यहाँ लेके जा रहे और बहुत ही अच्छा दिन है, जुमेरात का दिन है तो आई फील लकी कि मुझे यहाँ जाने का मौका मिल रहा है। मॉर्निंग गाइज, कल रात में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, ये दिल्ली वाले लोग है ना पार्टी बहुत करवाते, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जा रहे थे, एक तो एक बजे सब बंद हो जाता, कोई गुफा वाली जगह पे लेके जा रहे थे, सो रात में क्लोजर नहीं मार पाया। तो आई होप यू ये वाला व्लॉग यही ख़त्म करते और यहाँ से नया चालू करते, सो आई होप यू इन्जॉयड दिस व्लॉग। एंड सुबह सुबह बोलना बहुत शर्म आती है यार, लेकिन ठीक है, लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना और दुआ में याद रखना और इजाज़त में किसी का बात।